मकसूदनगढ़ राधोगढ़ तहसील के अंतर्गत आने वाला पीपलखेड़ी क्षेत्र के 15 गांवों के किसानों ने पीपलखेड़ी पर मकसूदनगढ़ से गुना जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया। 15 गांवों की बिजली काट दी गई थी। इस बात से किसान नाराज, इसलिए मकसूदनगढ़ गुना रोड पर चक्का जाम कर दिया गया। जाम लगने से वाहनों की दोनों तरफ लंबी लाइनें लग गईं। जानकारी मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल और राधोगढ़ प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। साथ ही पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह भी मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाने के बाद किसानों ने जाम को खोल दिया। उधर इस संबंध में विद्युत मंडल के अधिकारियों का कहना है कि 15 गांव के किसान नहीं करते बिजली का बिल भुगतान, इसलिए इनकी बिजली काट दी गई है। मकसूदनगढ़ से ग्राउंड रिपोर्टर टोनी शाह की रिपोर्ट। हमने हमारी लाइट कट गई 3-4 दिन हो गए। कितने गांव की लाइट कटी थी? 10-15 गांव लगभग। अच्छा, तो फिर क्यों हटाया आपने ये चक्का जाम? चक्का जाम हमारे लक्ष्मण सिंह जी आ गए, इसलिए हटा दे। क्या आश्वासन दिया आपको? उसने दिया कि हम जाम तक लाइट जुड़वा देंगे, कोई परेशान मत हो। इन 20 गाँव में जो 20 समाज के लोग हैं, पिछले 20 साल से कभी भी 1 रुपये जमा नहीं कराया गया। बिजली की चोरी करते हैं और 300 मोटर कटी, तो 250 से 300 मोटर टोलेट डायरेक्ट चला रहे हैं, बिजली चोरी कर रहे हैं। और ये दादागिरी करते हैं, सभी स्टेशन पे आकर जो है उत्पाद करते हैं, पथराव करते हैं, मारपीट करते हैं लाइनमैन के साथ में। लगभग कितने गांव हैं सर? 15 गांव हैं। कौन कौन से गांव हैं? ये है महमूद नगर, काठी, पाठपुरा, लक्ष्मणपुरा, बादशाह, बलरामपुरा, महादेवगढ़, खैरगढ़, आनंदपुरा, बेरखेड़ी, भूकनी, बमूरपुरा, गोपालगढ़, भैरवगढ़, नौथली। 15 गाँव हैं। तो यहाँ से बिजली के बिल का भुगतान नहीं किया जाता? नहीं, बिजली का भुगतान नहीं किया जाता। बहुत स्थिति गंभीर है, कभी जब बिजली का पैसा देते नहीं है, बिजली की चोरी करते हैं, आओ तो लाइनमैन ऑपरेटर के साथ मारपीट करते हैं, हर दिन झगड़ा करते हैं, उत्पात मचाते हैं।